पेपाल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पेपाल का अकाउंट पाकिस्तान में बैठ के आप कैसे ओपन कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी भी फ्रीलांसिंग साइट पे जाते हैं या ऑनलाइन बिजनेस में चलते हैं, जैसे आप ईबे पे जाते हैं या इट्सी पे जाते हैं या किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं फ्रीलांसिंग की, freelancer.com पे जाते हैं, तो वहाँ पे पेपाल रिक्वायर्ड होता है। अब पेपाल का अकाउंट पाकिस्तान में बैठ के कैसे ओपन हो सकता है, इसका लीगल मेथड कौन सा है कि 100% वेरीफाइड हो, और इसका लीगल मेथड कौन सा है इसके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। तो याद रखिएगा, हम आपको बहुत सारी ई कॉमर्स रिलेटेड जो है वो बातें बताएंगे, बहुत सारी वीडियो आपके लिए करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर एक मरतबा क्लिक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो आपको मिलती चली जाएंगी। तो सबसे पहले तो ये बात है कि बहुत सारी वीडियोस जो है पेपाल इन पाकिस्तान के नाम से जो है वो रिकॉर्डेड है, ऑलरेडी फेस मतलब यूट्यूब पे मौजूद है, लेकिन उनमें मसला इस चीज़ का है, वो कहते हैं जी फेक जो एड्रेस यूज़ करें, फेक टेलीफोन नंबर यूज़ करें, फेक पोस्ट कोड यूज़ करें। तो बेटा ये कि आपने कभी भी फेक चीज़ की तरफ नहीं जाना, क्यों? अगर आप कहीं से भी फेक एड्रेस को यूज़ करते किसी भी कंट्री के, जैसे यूएसए का कोई फेक एड्रेस आप यूज़ करते टेलीफोन नंबर, पेपाल तो आपका ओपन हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, वेरिफिकेशन इशू होगा। एक दो ट्रांजेक्शन करेंगे वेरिफिकेशन आएगी, वो उन्हीं फेक एड्रेसिस पे जाएगी, है ना। और अगर लेट से आपका वहाँ पे $1,000 पड़ा है तो वो ब्लॉक हो जाएगा, ऐसी सूरत में आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इस नुकसान से आपने अवॉइड करना, आपने कभी कोई काम जो है वो फेक नहीं करना, आपने लीगल करना है, जस्टिफाइबल करना है। अब पेपाल लीगली जस्टिफाइबल हम कैसे कर सकते हैं, इसके दो ही मेथड है पाकिस्तान में बैठ के। वो दो मेथड क्या है, नंबर वन, बहुत सारे कंट्रीज में पेपाल अलाउ है, बल्कि तमाम कंट्रीज में अदर देन पाकिस्तान पेपाल अलाउ है। आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई रिलेटिव वो इंग्लैंड पे बैठा है, यूके, यूएसए है, कनाडा है, स्पेन है, इटली है, इवन यूएई है, सऊदी अरेबिया है, तो आप सबसे पहले तो उस फ्रेंड को जो है वो रिक्वेस्ट करें कि वो अपना एड्रेस प्रोवाइड करे आपको और अपना टेलीफोन नंबर दे, ताकि आप इजीली पेपाल अकाउंट बना सकें। और पेपाल अकाउंट में लिमिट होती है, अगर आप विदाउट बैंक वेरिफिकेशन, बैंक अकाउंट की वेरिफिकेशन के उसे यूज़ करना चाहते हैं तो उसकी एक लिमिट है, $600 से ऊपर आप एक साल में $600 से ज़्यादा आप विड्रॉ नहीं कर सकते, ये आपके लिए बहुत नुकसान की बात। उस लिमिट को अपलिफ्ट करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, कोई ना कोई बैंक अकाउंट उसके साथ उसी कंट्री का उसी पर्सन का लगाना पड़ेगा। तो ये कि उसका बैंक अकाउंट ले लें और उस लिमिट को अपलिफ्ट कर लें, ताकि आप आसानी से पेपाल ओपनली यूज़ कर सकें, फ्रीली आपको किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। दूसरी बात, वो पर्सन आपको जो आपका फ्रेंड है या रिलेटिव है देते हेजिटेशन फील करेगा, क्यों? क्योंकि अगर उसमें किसी किस्म की कैश ट्रांजैक्शन होती है तो उस पर इनकम टैक्स चार्ज हो सकता है। तो ऐसी सूरत में ये कि आप पहले उसे एतमाद में लें कि भाई जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी उस पर जितना टैक्स बनता होगा वो टैक्स मैं आपको पे कर दूंगा, बल्कि आप डिडक्ट करके बाकी अमाउंट मुझे ट्रांसफ़र कर दिया करें। तो ये उसके ट्रस्ट लेवल को हेल्दी करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सेकेंड मैथड जो फुल्ली आपके कंट्रोल में होता है वो होता है नॉन रेजिडेंट कंपनी। जिस तरह एक पर्सन का लीगल स्टेटस होता है, इस तरह कंपनी भी एक लीगल स्टेटस रखती है, हर कंपनी। आप पाकिस्तान में बैठ के जो है वो यूएसए में, कनाडा में, या यूके में, या किसी भी कंट्री में, आप नॉन रेजिडेंट कंपनी, जिसे ऑफशोर कंपनी भी कहते हैं, ये इलीगल प्रैक्टिस नहीं, अलाउएबल प्रैक्टिस है, लीगल है, आप वहाँ पर ऑफशोर कंपनी ओपन कराएं, लॉन्च करें, रजिस्टर्ड करें। ऑफशोर कंपनी जब आपकी बन जाएगी तो उसके नाम का बैंक अकाउंट भी बन जाएगा, इस पर थोड़ी सी आपकी कास्ट आएगी, लेकिन इस कास्ट को बिजनेस वाइज जो है वो आप देखें तो आपके लिए ये कुछ भी माने नहीं रखते। आप ऑफशोर कंपनी ओपन कराएं, वहाँ पर रिलायबिलिटी इशू ज़रूर आएगा कि यहाँ से बैठ के मैं ओपन कराऊँगा तो कंसल्टेंट अगर हायर करूँगा वो रिलायबल है कि नहीं है, इसके लिए आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपकी ऑफशोर कंपनी जो है वो ओपन करा सकते हैं।
एनीवे ऑफशोर कंपनी ओपन कराएं और वहां पे फिर ये कि बैंक अकाउंट उस कंपनी के नाम का, वो फिजिकल बैंक अकाउंट भी हो सकता है, ऑनलाइन बैंकिंग जो होती है वो फुली ऑनलाइन बैंकिंग होती है फॉरेन कंट्रीज में, तो वहां पे बैंक अकाउंट ओपन कराएं उस कंपनी के नाम का और फिर पेपाल उस कंपनी के नाम का बनाएं। उस कंपनी का नाम यूज करते हुए जब आप पेपाल बनाएंगे तो उस पे आपका पूरा कंट्रोल होगा, क्योंकि कंपनी के आप मालिक है तो पेपाल के भी आप मालिक है, किसी किस्म की आपको कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं है, और कैश ट्रांसफर करना भी कोई इशू नहीं है। पाकिस्तान में पेपाल तो अलाउ नहीं है क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट का किसी किस्म का उनके साथ एग्रीमेंट है नहीं हुआ स्टिल। हाँ, पाकिस्तान में पेनियर अलोएबल है। आप ये करें कि अपने पेपाल को पेनियर के साथ अटैच करें ताकि पेपाल से पेनियर में पैसे ट्रांसफर हो सकें, पेनियर में हो जाएंगे तो डेफिनेटली वो आपके बैंक अकाउंट में भी हो जाएंगे जिन लोगों को पेनियर अकाउंट का पता है। तो ये तरीका लीगल है। और पेपाल पे अकाउंट भी जब बनाते हैं तो वहाँ पर दो ऑप्शन होती है, पर्सनल अकाउंट बनाना है या आपने बिजनेस अकाउंट। कभी पर्सनल अकाउंट ना बनाइएगा, बिजनेस अकाउंट बनाएं, क्योंकि पर्सनल से आप कैश ट्रांसफर तो कर सकते हैं लेकिन रिसीव नहीं कर सकते। बिजनेस बनाएंगे तो आप दे भी सकते हैं ले भी सकते हैं, तो बिजनेस अकाउंट अपनी ओपननेस के लिए जो है वहां पे बनाएं। और पेपाल अकाउंट बना के आप इंटरनेशनल बिजनेस के एडवांटेजेस पाकिस्तान में बैठ के जो है वो मतलब इंजॉय कर सकते हैं। तो ई कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस के लिए और बहुत सारी हेल्प के लिए जो है वो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे साथ अटैच रहें।